हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो भाई, शाहिद कपूर की देवा से एक दोस्तों बात निकल के आई है। एक्चुअली मैं अभी चल क्या रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई देवा से कुछ यहाँ पे अपडेट दो, क्योंकि शाहिद कपूर का अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू निकल के आया है जिसके बारे में कुछ पता यहाँ पर चला है। देखो भाई, यहाँ पर जितने भी शाहिद कपूर के फैंस हैं ना, वो इस टाइम पर एक चीज़ के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, देवा मूवी के ऊपर, कि देवा से कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल जाए, बस अपडेट आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए। देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों का इंतज़ार मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे मेकर्स तैयारी कर रहे हैं मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ देने की। देखो भाई, यहाँ पे अगर शाहिद कपूर ने मूवी के बारे में इंटरव्यू दिया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बात है जो ऐसे ही नहीं आ गए वो इंटरव्यू देने के लिए। बात निकल के आती है, देखो शाहिद कपूर का अभी रिसेंटली इंटरव्यू की, जब शाहिद कपूर ने यहाँ पे एक इंटरव्यू के दौरान एक मीडिया रिपोर्ट को बताने की कोशिश की। सबसे पहले मीडिया वाले ने भाई यहाँ पे पूछा उनकी जो अभी पूजा एंटरटेनमेंट के साथ में जो एक मूवी यहाँ पे अभी अनाउंस हुई है, कौन सी वो थी, कौन सी, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, देखो भाई, यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ को जिस तरीके से अभी पसंद नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यार स्टोरी यूँ ऐसे वैसे, तो कहीं ना कहीं कहीं शाहिद कपूर को पूजा एंटरटेनमेंट से ख़तरा तो नहीं है? यानी कि अब क्या कुछ हो सकता है शाहिद कपूर के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि मूवी जो है उस तरीके से बने ना जिस तरीके से बननी चाहिए। क्योंकि पूजा एंटरटेनमेंट वाले जो हैं, लोगों का कहना है इंटरव्यू में कि भाई ठीक तरीके से जो है होमवर्क ये लोग करते नहीं हैं और सिर्फ और सिर्फ मूवी बनाने से यहाँ पे मतलब रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, शाहिद कपूर अगर जुड़ रहे हैं तो कहीं दोबारा से उसी चीज़ को ना दोहराया जाए जो कि अभी तक उनकी गणपत वगैरह या BMCM में दोहराया गया है। इस चीज़ से दोस्तों यहाँ पे ये जो है मीडिया लेवल के बंदे ने उनसे पूछा, तो शाहिद कपूर ने देखो यहाँ पे ये कहा कि देखो, मैं जो है अलग अलग जोनर की मूवी करना चाहता हूँ और मैं अलग अलग लेवल पे जो है इंडस्ट्री में अपनी जो है छाप छोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा। और यहाँ पे देवा उन्होंने बताई कि देवा एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें आप लोगों को मैं एक्शन करता हुआ तो देखूँगा, लेकिन थोड़ा सा अलग लेवल का एंड थोड़ा सा एक मैड लेवल का एक्शन। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, शाहिद कपूर का जो एक कैरेक्टर होगा ना, वो होगा थोड़ा सा कह सकते हो सनकी टाइप होता है, थोड़ा सा सनकी टाइप हो गया बंदा, सनक है, इस तरीके का कुछ यहाँ पे कैरेक्टर होने वाला है। क्योंकि इस लुक के कारण, यानी कि जो लुक उन्होंने जो भाई लिया है छोटे छोटे बाल, तो ये उस कैरेक्टर को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, यही दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पे शाहिद कपूर ने एक बात और कही कि देखो, मैं इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से यहाँ पे लेना चाहता हूँ, यानी कि इंडस्ट्री को लेना भी चाहता हूँ और अपनी तरफ से काम देना भी चाहता हूँ। यानी कि अभी उन्होंने बोला कि हाल फिलहाल में अगर कोई मुझे अच्छी एक कॉमेडी मूवी देना चाहेगा तो मैं क्यों ना यहाँ पे दूँ। अब लास्ट में दोनों उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो है अलग अलग तरीके से काम करना चाहता हूँ, जैसे अभी अश्वत्थामा में सुपर हीरो यहाँ पे बनने की जो है कगार पे है उनकी मूवी, फिर देवा आ रही है, फिर उसके बाद में छत्रपति शिवाजी, अलग अलग जोनर, अलग अलग लेवल। एंड अब यहाँ पे देवा से रिलेटेड जो यहाँ पे बात निकल गया है वो ये आई कि देखो, यहाँ पे उसने पूछा कि भाई देवा सर कब तक यहाँ पे कुछ, बोला कि बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी देवा से शाहिद कपूर ने बोला कि लेकिन कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। अब कौन से मंथ में, कब, इसके बारे में उन्होंने अभी कुछ भी बात नहीं खोली है, इतना ज़रूर बोल दिया, हिंट दे दिया कि बहुत जल्द। अब बहुत जल्द यानी कि भाई 2 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं, जो भी हो बहुत जल्द देखने को मिलेगा भाई। यह है कि एंटिसिपेटेड मूवी है, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है इस मूवी का और बहुत ज़्यादा हाइप भी है इस मूवी की, क्योंकि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बहुत अच्छा यहाँ पे रन कर गई, OTT पे ज़बरदस्त काम कर गई, फिर यहाँ पे शाहिद कपूर के पास इस मूवी का एक अगला पार्ट भी है जो कि अगले साल से उसकी शूटिंग को यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, अश्वत्थामा की इसी साल शूटिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो अब छत्रपति शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी एंड अश्वत्थामा में दोनों में कंपेयर किया जा रहा है कि भाई दोनों के लिए लंबे बाल चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी इनकी एक मूवी और आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे यार हमारे यूं ऐसे, ऐसा भाई देखो है नहीं, एक्चुअली में शाहिद कपूर के उस मूवी में जो बाल थे ना वो आप जाके देखना, कोई बढ़ाए नहीं थे उन्होंने, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी वीक को यहाँ पे जो है भाई अपने सर में लगाया था जो कि एक रियल लगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो अभी एक्टर्स हैं, देखो ऐसा शाहिद कपूर के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन और जो एक्टर्स हैं वो इस तरीके से काम कर लेते हैं, लेकिन शाहिद कपूर एक ऐसा एक्टर है जो कि भाई कैरेक्टर में ढलने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि देखो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस बोलता है कि भाई शूटिंग को जल्दी करनी है और अगर शाहिद कपूर ये बोलते हैं कि भाई मुझे बाल लंबे करने में टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे उन पर दबाव डालेगा कि भाई नहीं ठीक है हम ऐसे करवा देंगे ऐसे करवा देंगे। खास तौर से मैं पूजा एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे अपने चीज़ों को यहाँ पे रख सकता है कि भाई आप ये लगा लो आप वो लगा लो। हाँ, छत्रपति शिवाजी के कॉन्सेप्ट में मान सकता हूँ कि चलो अगर वो बाल लंबे कर ले तो, लेकिन अश्वत्थामा में अगर
उनका कैरेक्टर बाल लंबे करने का है, बाल लंबे का है, तो कहीं ना कहीं देखो शूटिंग को जल्दी स्टार्ट किया जाएगा और उसको एक जो है अलग से वीक लगाई जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों यह है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि देवा मूवी से बहुत जल्द कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है, चाहे पोस्टर हो, चाहे ग्लिम्स हो, चाहे टीजर हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों बताओ नीचे कमेंट में भाई कितना एक्साइटेड हो, अपने थॉट, अपनी थिंकिंग शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट में। तो अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।